हाय फ्रेंड, आज मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारी जो मशीन होती है, जो वो बार बार धागा काटती है, तो उसको सुधारे कैसे, या अपने घर में जो नॉर्मल चीज होती है उसी से कैसे उसको रिपेयर करेंगे। एक पेचकस लगेगा जिसके लिए हमको, तो मैं अभी आगे पूरा वीडियो में पूरा बताऊंगा। ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। मशीन में बार बार धागा टूट रहा है, तो हमको सबसे पहले हमारी बॉबिन निकाल के चेक कर लेना है, जो लगाने से पहले ही, कि ये हमारे जो बॉबिन होती है, इसको इसमें ज़्यादा धागा तो नहीं भर गया है, इस वजह से भी धागा काटती है बार बार, और या तो हमारी ये जो बॉबिन केस है इसके अंदर भी कहीं धागा तो फंसा नहीं है, उसको भी देख लेना है, उससे भी धागा काटती है। इसको ऐसे ठीक से लगा देना है यहाँ पे, और इसको यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से ये जो हमारी ये होता है प्लेट, यहाँ से हमको इसको सीधा लगा देना है, या तो इसको ऐसे उठा के भी लगा सकते हैं हम। ये हमारा सबसे पहले लग गया सही। अब इसके बाद हमको जो धागा होता है, धागा हमारा ऐसा इसमें सही से यहाँ से पुराना है पहले, सबसे पहले ऐसा, और ये टेंशन प्लेट में ऐसे लेना है यहाँ से, और ये इसमें पुरा लेंगे। अब हमको यहाँ पे भी चेक कर लेना है, अगर ये भी ज़्यादा टाइट रहा तो भी हमारा धागा काटता है बार बार ज़्यादा करके, तो इसको भी हम अपने हिसाब से ढीला टाइट करके रखना पड़ता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई सुई में डाल देंगे। इसकी जगह हम, अगर हाथ से नहीं जाता है तो ट्विज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया। अब हमको यहाँ से चेक कर लेना है ये टाइट तो नहीं है। सुई में जब धागा पुरने के बाद हमको ये नीचे सुई लेके देखना है कि ये जो हमारा फुट होता है, फुट में सुई तो टच तो नहीं हो रही है। अगर टच होती है तो उससे भी धागा बार बार ज़्यादा काटता है। अगर टच हो रही है तो उसको सेंटर में ले लेना है हमको, यानी फुट से सुई टच ना हो, टच होने के कारण धागा काटेंगी। ये सब चेक करने के बाद अगर फिर भी धागा बार बार काट रही है, तो इसके लिए हमको हमारा जो शटल होता है उसको मिलाना पड़ेगा, तो उसको भी मैं मिला के दिखा देता हूँ। होगी। सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे यहाँ से, ये पट्टी हटा लेते हैं यहाँ थोड़ा दूर पे, और ये खोल ले रहा हूँ मैं, ये खुला हुआ है, मैंने पहले खोल लिया था इसे। और जो ये हमारा शटर, ये झुक्की मशीन में ऐसा होता है, और अम्ब्रेला मशीन में, जो घर की जो मशीन होती है सादी सिंपल वाली, उसमें आधा शटर होता है, उसको तो नॉर्मल साफ कर लेना पड़ता है, या उसमें धागा वगैरह आ तो वो साफ कर लेंगे तो वो बराबर हो जाती है अपने आप। और इसमें रहता है हमको शटल मिलाना पड़ता है, ये गोल वाला शटल होता है जो फुल राउंड का, तो अभी उसको मैं दिखा देता हूँ। ये मिलाने के लिए, ये दिखाने के लिए ये फुट खोल ले रहा हूँ आपको यहाँ से, कि फुट खोल लिया मैंने यहाँ से। अब ये हमारी जो ये धागा है यहाँ से निकाल ले रहा हूँ। पहले हमको देख लेना है कि हमारी सुई बराबर तो है या नहीं, समझ में। सबसे पहले हमको ये इसके शटल के नट ढीले कर लेना है यहाँ से, ये तीन नट होते हैं इसमें, तीनों को थोड़ा थोड़ा ढीले कर लेंगे। सबसे पहले हमको जब नट वो ढीले हो जाएंगे तीनों, तो ये सुई को हमारी जो होती है उसका ये शटल का पॉइंट होता है, वहाँ पे हमको मिला लेना है। सुई के बीच में जो खाँचा होता है, एक चपटा सा बना हुआ, उस पॉइंट को हमको सुई के सेंटर में लेना पड़ता है, वो जो खाँचे में, और वहीं पे नट कस देना पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम ये सुई मिलाएंगे तो जो हमारी सुई होती है ये ऐसी ऊपर जाते हुए पोजीशन में होनी चाहिए, सुई ऊपर जाती हुई होना, और ये जो इसकी पॉइंट होती है, ये पॉइंट, ये यहाँ पे एक बारीक सा जो है, ये इसके सुई के
बिल्कुल सेंटर में जो खांचा होता है वहाँ पे मिलना चाहिए। तभी अगर आप सुई नीचे जाती हुई पोजीशन में, अगर जैसे ये इस पोजीशन में नीचे जाती हुई पोजीशन में मिलाओगे आप उसको, तो सुई टूट जाएंगी और कभी वो मिल ही नहीं पाएगा। हमेशा सुई जो है ऊपर जाती हुई पोजीशन में लेना है और उसका ये जो पॉइंट है उसको बीच में रखना है, तो हमारा शटल सेट हो जाएगा। यस अब इसको हम एक बार चला के देख लेंगे, पहले नट पूरे कस लेंगे। मैंने एक ही कसा था अभी, अब तीनों कस लूँगा। इसके बाद ये पट्टी लगा के इसको पहले ट्राई करूँगा, अगर वो फिर भी नहीं हुआ तो थोड़ा सा फिर उसको ढीला करके दो फिर से थोड़ा सा हल्का ऊपर नीचे सुई को करके फिर से उसको वैसे ट्राई करूँगा, उसमें आ जाएगा। चालू। अब ये हमारा ये टेस्ट करेंगे इसको। ऐसे भी चला के देखना है पहले, सक्सेस। अब इसके ये जो नट थे तीनों, इसको ये पट्टी हटा के इसके पूरे नट मैं टाइट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा फाइनली पूरा। ये तीनों नाइट कस दूँ, हो गया, रोक दे। ये जो मैंने बताया हूँ ये मेरी झुकी मशीन के लिए है। आप ऐसे ही अपने घर की जो नॉर्मल मशीन है वैसे भी उसे भी ऐसे ही कर सकते हैं रिपेयर, घर का अगर धागा काटती है तो। और महीने में कम से कम एक बार तो उसे साफ कर ही लिया कीजिए, नीचे से पूरा अंदर से उसको। या आपकी ऐसी झुकी मशीन है उसमें अच्छा क्वालिटी का ऑयल डालेंगे तो भी ये ज्यादा तकलीफ नहीं देंगी आपको। सही तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आसानी से समझ आई होगी। वीडियो को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके सुझाव से वीडियो और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।